हाय, मैं हूं मोहित। आप देख रहे हैं टेक्निकल वर्ड्स। तो दोस्तों, फाइनली इंडिया में पोको X3 प्रो फ़ोन लॉन्च हो गया। तो मैं इसका प्राइस की बात करूं तो 19,000 रुपये रखा गया है 6 128 वाले वेरिएंट का, और इसी का 8 128 वाले वेरिएंट का मैं प्राइस की बात करूं तो इसका प्राइस रखा गया है इंडिया में 21,000 रुपये। अगर आपके पास ICICI बैंक का क्रेडिट कार्ड है तो 1,000 का और ऑफ मिल जाएगा। शायद ये ऑफर फर्स्ट सेल तक ही रहेगा। तो दोस्तों, 20,000 में रियलमी का X7 फोन भी आता है 5G के साथ। तो दोनों ही फोन में से आप लोगों को कौन सा फोन लेना चाहिए, क्योंकि देखिए दोनों का जो प्राइस है लगभग लगभग एक ही दाम का। मतलब इसका दाम है पोको X3 प्रो का 19,000 रुपये और रियलमी X7 का दाम है 20,000 रुपये। तो दोस्तों, आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं डिज़ाइन के बारे में बात कर लेता हूँ। जैसे कि आप लोग अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि मुझे पर्सनली रियलमी X7 का डिज़ाइन थोड़ा सा बेटर लगा। अब आप लोग का क्या मानना है नीचे मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बताएं। और दोनों ही का बैक साइड में प्लास्टिक फिनिश ही देखने को मिल जाता है, कोई भी ग्लास देखने को नहीं मिलता। ये क्लियर हो गया। अब मैं आ जाता हूँ डिस्प्ले के ऊपर। रियलमी X7 में मिल जाता है 6.43 इंच का एक फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है। और इसमें देखिए 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट भी मिल जाता है, और इसमें कौन सा गोरिल्ला ग्लास मिलता है मुझे पता नहीं, और 600 निट्स का ब्राइटनेस भी मिल जाता है। लेकिन वही मैं पोको X3 प्रो के बारे में बात करूँ तो इसमें थोड़ा सा बिग डिस्प्ले मिल जाता है, 6.67 इंच का एक फुल HD प्लस वाला डिस्प्ले मिल जाता है। लेकिन इसमें आप लोग को कोई एमोलेड डिस्प्ले देखने को नहीं मिलता। हाँ, लेकिन ये जो डिस्प्ले आता है 120 हर्ट्ज के साथ आता है, और इसमें गोरिल्ला ग्लास 6 का जो है प्रोटेक्शन मिल जाता है। तो अब मैं आ जाता हूँ आप लोग को कौन सा चूज़ करना चाहिए। मुझे पर्सनली चूज़ करना रहता है दोनों का डिस्प्ले तो मैं एमोलेड के साथ जाता। हाँ, 120 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले मिल जाता है पोको X3 प्रो में, लेकिन भैया मैं जाऊंगा किसके साथ, रियलमी X7 के साथ, क्योंकि X7 में क्या मिल जाता है, सुपर एमोलेड वाला डिस्प्ले मिल जाता है, प्लस इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी मिल जाता है। लेकिन पोको X3 प्रो में साइड में मिल जाता है फिंगरप्रिंट सेंसर, और दोनों ही फ़ोन में फेस अनलॉक का सिस्टम भी मिल जाता है। अब मैं आ जाता हूँ सेल्फी कैमरा के ऊपर। 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है रियलमी X7 में पंच होल के साथ। वहीं मैं बात करूँ पोको X3 प्रो के बारे में, इसमें मिल जाता है 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। हालांकि दोनों ही फ़ोन में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। तो चलिए अब मैं आ जाता हूँ रियर कैमरा के ऊपर। रियलमी X7 में ट्रिपल रियर कैमरा मिल जाता है। पहला 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी कैमरा मिल जाता है, दूसरा 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड कैमरा मिल जाता है, जो तीसरा कैमरा 2 मेगापिक्सल का वही मैक्रो कैमरा मिल जाता है। लेकिन वही मैं पोको X3 प्रो के बारे में बात करूं तो इसमें मिल जाता है क्वाड कैमरा का सेटअप बैक साइड में। पहला 48 मेगापिक्सल का वही प्राइमरी कैमरा, दूसरा 8 मेगापिक्सल का वही अल्ट्रा वाइड कैमरा, और जो तीसरा और चौथा कैमरा वही 2 2 मेगापिक्सल का, वे कौन सा कैमरा है आपको पता ही है। मतलब एक कैमरा कम मिलता है रियलमी X7 में 2 मेगापिक्सल का, इससे आप लोग को कोई ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आप लोग को 64 मेगापिक्सल का रियर कैमरा मतलब मिल जाता है, किसमें मिल जाता है, रियलमी X7 में। तो जाहिर सी बात है, तो इससे आप लोग को बेटर क्वालिटी का फोटो देखने को मिल सकता है। तो अब आप लोग को चूज करना है कौन सा आप लोग को पसंद है। तो चलिए अब मैं आ जाता हूँ बैटरी के ऊपर। 4310 mAh का बैटरी मिलता है रियलमी X7 में, प्लस इसमें 50 वाट का फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिलता है। लेकिन बिग बैटरी आप लोग को मिल जाता है पोको का X3 प्रो में, इसमें मिल जाता है 5160 mAh का एक बिग बैटरी, प्लस 33 वाट का एक फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी मिल जाता है। देखिए, आप लोग सोच रहे होंगे कि रियलमी X7 में जो बैटरी मिलता है कम मिलता है, लेकिन मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं आप लोग को पर्सनली बताऊँ तो इसमें जो आप लोग को बैटरी बैकअप मिलेगा 1 दिन से ऊपर का ही मिलेगा। क्यों मिलेगा, इसमें देखिए सबसे पहले 60 हर्ट्ज़ का ही डिस्प्ले मिलता है, प्लस इसमें क्या मिलता है, सुपर एमोलेड का डिस्प्ले मिलता है, इसलिए इसमें बैटरी जो है ज़्यादा देर टिकता है। बैटरी के मामले में बेनिफिट तो जाता है पोको का X3 प्रो में, लेकिन उसमें 33 वाट का ही फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिलता है, रियलमी X7 में मिलता है 50 वाट का, जो कि दोस्तों लगभग 40 से 50 मिनट के अंदर आपका फ़ोन फुल चार्ज होगा। तो ये मैंने बता दिया आप लोग को बैटरी के बारे में। अब मैं आ जाता हूँ प्रोसेसर के ऊपर। डायमेंसिटी 800U का प्रोसेसर मिलता है रियलमी X7 में। हाँ, ये जो 800U वाला प्रोसेसर है ये 5G वाला प्रोसेसर है, मतलब कि एक फ्यूचर प्रूफ
प्रोसेसर है, मतलब फ़ोन भी आप लोग बोल सकते हैं। भविष्य में जब 5G आएगा सिम तो ये ज़रूर काम करेगा, मैं इतना आप लोग को बता सकता हूँ। लेकिन 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 पोको X3 में मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 860 वाला प्रोसेसर, जो कि कई गुना ज़्यादा पावरफुल है। रियलमी X7 में जो प्रोसेसर मिलता है डायमेंसिटी 800U वाला प्रोसेसर, मतलब कि आप लोग को गेमिंग के लिए एक फ़ोन चाहिए तो आप लोग आँख बंद करके पोको का X3 प्रो ले सकते हैं। मतलब उसमें बेनिफिट आप लोग को गेमिंग परफॉर्मेंस वगैरह काफ़ी बेटर देखने को मिलेगा। गेमिंग में तो भैया कोई जवाब ही नहीं होगा, अंडर 20,000 में मिल जाएगा, तो आप लोग पोको का X3 प्रो के साथ जा सकते हैं। और देखिए रियलमी X7 में आप लोग को क्या क्या नहीं मिलता है, इसमें 3.5mm का कोई भी जैक देखने को नहीं मिलता, जो कि डाउनग्रेड किया गया है। और इसमें आप लोग डुअल सिम भी लगा सकते हैं, इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट भी नहीं है। लेकिन पोको का X3 प्रो में क्या मिल जाता है, 3.5mm का जैक मिल जाता है, प्लस इसमें हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिल जाता है, तो बेनिफिट मिल जाता है पोको का X3 प्रो में। और क्या क्या मिल जाता है देखिए, रियलमी X7 का जो वेट है मात्र 176 ग्राम का है, जो कि काफ़ी लाइट वेट है, काफ़ी हल्का है। लेकिन 213 ग्राम का वेट है पोको X3 प्रो का, जो कि ये काफ़ी भारी फ़ोन है मेरे विचार से, क्या मतलब सबके विचार से। तो आपको एक स्लिम फ़ोन चाहिए ये ले सकते हैं आप, रियलमी का X7 ले सकते हैं। और देखिए X7 में क्या मिलता है, एंड्रॉयड 10 के साथ ये आता है, लेकिन पोको X3 प्रो जो आता है एंड्रॉयड 11 के साथ ये आता है, मतलब कि आउट ऑफ बॉक्स आप लोग को मिल जाएगा। तो अंत में मैं अब आ जाता हूँ कि दोनों ही फ़ोन में से आप लोग को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। मैं देखिए बताता हूँ, प्रोसेसर गेमिंग परफॉर्मेंस जो है किस में बेटर मिलेगा, पोको का X3 प्रो में आप लोग को बेटर देखने को मिल जाएगा, मतलब कि इसमें आप लोग को यही बेनिफिट मिलता है। लेकिन और इसमें क्या मिलता है, बैटरी भी बड़ा मिलता है। लेकिन रियलमी X7 में क्या क्या आप लोग को बेनिफिट मिल जाएगा, सबसे पहले ये एक 5G के साथ आता है, मतलब कि फ्यूचर प्रूफ। दूसरा एमोलेड डिस्प्ले मिल जाता है, फास्ट चार्जिंग का भी सपोर्ट मिल जाता है। हाँ लेकिन रियलमी X7 में 3.5mm का जैक नहीं मिलता है, और इसमें 2 सिम ही लगा सकते हैं। ये सारा चीज़ आप लोग को पोको का X3 में मिल जाएगा, मतलब कि उसमें बेनिफिट मिल जाएगा। आप लोग का यूजेस के अनुसार आप लोग फ़ोन को चूज़ कर सकते हैं, मतलब कि दोनों ही फ़ोन में से आप लोग को कौन सा फ़ोन लेना चाहिए। तो बस आप लोग को ये बात जो है ध्यान में रखना है, मैंने आप लोग को जो बताया दोनों ही बढ़िया फ़ोन है, मतलब कि कुछ बेनिफिट मिल जाता है आप लोग को रियलमी का X7 में, कुछ बेनिफिट मिल जाता है पोको का X3 प्रो में। अब आप लोग को देखना है कि आप लोग का यूजेस क्या है, आप लोग को सिर्फ गेम ही करना है तो आप लोग पोको का X3 प्रो के साथ जा सकते हैं। लेकिन आप लोग को एक 5G फ़ोन चाहिए, थोड़ा सा बेटर कैमरा क्वालिटी चाहिए, तो आप लोग रियलमी X7 के साथ जा सकते हैं। तो फ्रेंड बस वीडियो में इतना ही था, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दे, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और हाँ इस वीडियो को जो है शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए आज का वीडियो में बस इतना ही था, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।